पर्यावरण के प्रति जन जागरण के उद्देश्य से शुरू हुई एनजीओ संस्था ग्रीन बेल के सदस्यों ने आज जीबी स्कूल के बच्चों की मुलाकात ली और स्कूल को पौधे भेंट किए। लिव ग्रीन लव ग्रीन थिंक ग्रीन के उद्देश्य से स्थापित ग्रीन बेल एनजीओ संस्था के स्थापक ऋत्विक जोशी और कल्पेश पटेल ने ओल्ड पादरा रोड पर आई जीईबी स्कूल में जाकर प्राथमिक कक्षा के बच्चों की मुलाकात ली और पर्यावरण एवं पौधों को सहेजने की बात की। साथ ही घंट बजाकर स्कूल को पौधे भेंट किए, जिनमें मुख्य है बरगद का पेड़। इनका कहना है कि बरगद के पेड़ आज बहुत कम होते जा रहे हैं, ऐसे में बरगद के पेड़ बोना जरूरी है। समग्र विश्व जारे पर्यावरण जिंदा कर तो संस्कार नगरी तरीके ये उद्देश्य साथ अमे वडोदरा ग्रीन बेल संस्था द्वारा आज वडोदरा जीबी स्कूल खाते अमे अहीं पर्यावरण की जागृति कार्यक्रम शुरू कर्यो छे। अने आ पहली स्कूल छे के ज्यांथी अमे आज आ कार्यक्रम की शुरुआत करी छे। वडोदरा तमाम स्कूलों में अमे आ पर्यावरण की जागृति लावाना प्रयत्नना हेतु थी दरेक स्कूलों में अमे जवाना छे। स्कूलों की अंदर अमे अलग अलग छोड़ आपीए छे छोकराओने, अने जे स्कूल में जाइए ए स्कूल की अंदर वडोदरा शहर की जे ओळखाण हती के वडनगरी तरीके जारे वडोदरा शहर ओळखातु हतु अने आजे वडो देखाता नथी ए ओळखाणने पाछी लावा माटे अमे ए स्कूल नी अंदर पण वडनुं पण रोपण करीने नुं जतन करवानो प्रयत्न करीशुं। धोरण 1 થી 7 ના વિદ્યાર્થીઓ કેમ, કારણ કે આ લોકો જ આવતીકાલનું ભવિષ્ય છે અને આ લોકોમાં જો પર્યાવરણની સમજણ હશે તો ચોક્કસ ग्लोबल वार्मिंग नो प्रॉब्लम नहीं था अने पर्यावरण खरेखर खूब सारू बनसे। बच्चे भी इनसे मिलकर खुश थे। इस कार्यक्रम में स्कूल प्रिंसिपल व टीचर्स भी जुड़े। कार्बन डाइऑक्साइड नु प्रमाण घटाडवा माटे ऑक्सीजन वायु प्रमाण वधारवा माटे आपणे वृक्षो आवीशुं। आपणा एनवायरमेंट मां पीपळो अने वड सौथी वधारे ऑक्सीजन वायु नु प्रमाण आपी रह्या छे, तेथी आपणे एनु सौथी वधारे વધારે વાવેતર કરીશું। પર્યાવરણની જાળવણી માટે અમે વૃક્ષોની કાળજી રાખીશું અને વધુમાં વધુ વૃક્ષો વાવીશું।